आपके मन में भी यही सवाल आता है कि हड्डी में होने वाला जायंट सेल ट्यूमर या जीसीटी आखिर वापस क्यों आ जाता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा तो ऑपरेशन हुआ था, अब ऑपरेशन के बाद भी ऐसी बीमारी वापस क्यों आ गई? नमस्कार, बोन कैंसर क्लिनिक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डॉक्टर रजत गुप्ता, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट, आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे के जायंट सेल ट्यूमर या जीसीटी के वापस आने का रिस्क बढ़ जाता है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उन रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज किया जा सके, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे हमें करने से बचना है ताकि हमारी बीमारी वापस ना आए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को तो अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यह जानने के लिए कि आखिर ऑपरेशन के बाद जायंट सेल ट्यूमर वापस क्यों आ जाता है, हमें यह समझना होगा कि आखिर जायंट सेल ट्यूमर में किस प्रकार का ऑपरेशन होता है। वैसे तो इस पर हमने पहले भी एक दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि हमने जायंट सेल ट्यूमर को डिटेल में डिस्कस किया है, पर फिर भी जस्ट टू समराइज, जायंट सेल ट्यूमर में आमतौर पर दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं। पहला वो जिसमें कि खराब हुई हड्डी को साफ किया जाता है और उसकी जगह वहाँ पे हड्डी या सीमेंट भरा जाता है, जिसे हम एक्सटेंडेड क्यूरेटाज नाम से जानते हैं। दूसरा वो कि जिन पेशेंट्स में रसौली से हड्डी इतनी ज़्यादा गल गई होती है कि हमें उसको बचा नहीं सकते, तो हमें वो पूरी की पूरी हड्डी निकालनी पड़ती है और उसकी जगह हमें आर्टिफिशियल ज्वाइंट या आर्टिफिशियल जोड़ लगाना पड़ता है, और उसे हम वाइड रिसेक्शन कहते हैं। तो वाइड रिसेक्शन के बाद जनरली जो वापिस आने का रिस्क होता है वो लगभग 1 to 5%, मतलब कि 1 से 5% तक ही होता है। वहीं अगर हम क्यूरेटाज की बात करें तो क्यूरेटाज के बाद यही रिस्क 10% से लेके 50% तक हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में ये सवाल आएगा कि अगर क्यूरेटाज के बाद रिस्क वापिस आने का रिस्क रिसेक्शन के मुकाबले लगभग 10 गुना ज़्यादा है, तो आखिर सब पेशेंट्स को रिसेक्शन का ऑप्शन ही देना कहीं सही तो नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम रिसेक्शन करते हैं या हड्डी निकालते हैं और उसकी जगह हम आर्टिफिशियल जॉइंट डालते हैं, तो उसका जो फंक्शन होता है वो हमेशा ही एक नेचुरल नी से या नेचुरल जॉइंट से या नेचुरल बोन से हमेशा ही वो इन्फीरियर होता है। क्योंकि जायंट सेल ट्यूमर आमतौर पर 20 से 40 साल के मरीजों में होता है और वो काफ़ी यंग होते हैं, तो हमारा यही मकसद रहता है कि हम हर एफर्ट करके उनका नेचुरल नी जॉइंट, नेचुरल जॉइंट प्रिजर्व किया जाए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी लाइफ की कम ना हो। तो आप जानते हैं कि क्यूरेटाज में जो 10% से लेके 50% तक का रिस्क है, तो आखिर कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें वो रिस्क केवल 10% ही होगा, और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें वो बढ़ के 50% तक भी हो सकता है? तो इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर क्यूरेटाज होता कैसे है, उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। तो जहाँ तक प्लानिंग का सवाल है, क्यूरेटाज करने से पहले हमें पेशेंट के एक्सरेज करवाने होते हैं और एमआरआई करना होता है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि आखिर वो बीमारी हड्डी में कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से कोने में है, हड्डी से बाहर तो नहीं आई, मतलब कि सॉफ्ट टिश्यू में तो नहीं है, अगर है तो वो किस नर्व के या किस आर्टरी के या किस मसल के पास है, और ऑपरेशन में हमें कितनी हड्डी और कितनी रसौली निकालनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीटी स्कैन का क्यूरेटाज की प्लानिंग में कोई खास योगदान नहीं होता है। अगर आपका ऑपरेशन केवल एक्सरे और सीटी स्कैन के आधार पर ही हुआ है और उसमें एमआरआई नहीं की गई है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बीमारी वापस आएगी। अब बात करते हैं कि आखिर क्यूरेटाज कैसे होता है। तो क्यूरेटाज में मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हड्डी में एक बड़ा सा छेद करना, जिसे हम कहते हैं कि एक विंडो बनाना, ताकि हमें रसौली अच्छे से नज़र आ जाए। उसके बाद रसौली को एक औजार जिसे हम क्यूरेट कहते हैं, उससे हम स्कूप आउट करते हैं, मतलब कि रसौली को बाहर निकालते हैं। तो जब भी हड्डी से क्यूरेट आउट किया जाता है, फिर भी जो हड्डी के अंदर थोड़ी सी रिजिज रहती हैं या सीरेशंस रहती हैं, उसके पीछे ये जीसीटी या रसौली छुपी होती है, और उन रिजिज को तोड़ने के लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम हाई स्पीड बर कहते हैं। और हाई स्पीड बर ये रिजिस को तोड़ती है, जो छुपा हुआ रसौली है उसको बाहर निकालती है। इसके अलावा हम एडिशनल 1 से 2 मिलीमीटर ऑफ दी बोन उसको भी कुरेद के या उसको भी बर आउट करके निकालते हैं, ताकि जो
रसौली के आसपास 1 से 2 मिलीमीटर का एरिया है, अगर वहाँ पे कोई रसौली है या उसका कोई सेल है तो वो भी बाहर आ जाए। और इसके बाद चौथा स्टेप होता है उस जो हड्डी को अच्छे से धोना, जिसके लिए हम एक पल्स लवाज का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक हाई स्पीड जेट सिस्टम होता है जिसमें के नॉर्मल सेलाइन या पानी काफ़ी तेज़ी से आता है और वो काफ़ी तेज जेट की धार से उसको साफ करता है। हमने अपनी प्रैक्टिस में अपने एक्सपीरियंस में ऐसा पाया है कि जिन पेशेंट्स में क्यूरेटाज के बाद भी बीमारी वापस आती है उन पेशेंट्स में मेजॉरिटी में ये हाई स्पीड बर और पल्स लवाज का इस्तेमाल नहीं किया गया होता, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन किया गया होता है मोस्ट लाइकली उनके पास इस तरह की सुविधा ही नहीं होती। तो जब भी आपको क्यूरेटाज सर्जरी का सजेशन मिले तो आप अपने डॉक्टर से ये पूछें कि आखिर आपके केस में हाई स्पीड बर और पल्स लवाज का यूज़ किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा जायंट सेल ट्यूमर वापस आएगा या नहीं या इस बात पर भी निर्भर करता है कि आखिर वो ऑपरेशन किसने किया है, उस डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है। अगर जायंट सेल ट्यूमर का सर्जरी एक स्पेशलाइज्ड बोन कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से किया गया हो तो क्यूरेटाज के बाद उस बीमारी का वापस आने का रिस्क लगभग 10% के आसपास ही होता है। लेकिन अगर वही सर्जरी एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन या कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन से की जाए जिनकी स्पेशलिटी ट्यूमर्स में नहीं है तो यह बीमारी वापस आने का रिस्क बढ़कर 50% तक ही हो सकता है। इसी तरह अगर हम रिसेक्शन वाली सर्जरी की बात करें तो रिसेक्शन में जो हड्डी निकाली जाती है उसको एक पीस में निकालना होता है। अगर आपकी रिसेक्शन वाली सर्जरी के बाद भी रसौली वापस आई है तो बहुत चांस है कि आपका सर्जरी के दौरान वो हड्डी टुकड़ों टुकड़े करके निकाली गई हो, ना कि एक पीस में, जिससे कि हड्डी का या रसौली का कुछ हिस्सा वहाँ छूट गया हो और उस कारण बीमारी वापस आई हो। तो हमें यह समझना होगा कि GCT में सक्सेस रेट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी कौन कर रहा है, उसका टेक्निक क्या है। यह कितने ही रिसर्च आर्टिकल्स इस बात पर जोर देते हैं कि रिकरेंस रिस्क इन 3 फैक्टर्स पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्जरी क्या है, आपकी टाइप ऑफ सर्जरी क्या है और आपका सर्जन का एक्सपर्टीज क्या है। इस बात को आप इस तरीके से भी समझिए कि मान लीजिए अगर कोई धोनी को बोले कि आप फास्ट बॉलिंग कीजिए या फिर तेंदुलकर को बोले कि आप विकेट कीपिंग कीजिए तो शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे क्रिकेटर नहीं हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि उनकी स्पेशलिटी नहीं है। तो इसीलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि हड्डी की रसौली, जायंट सेल ट्यूमर या कोई भी हड्डी का कैंसर हो उसका इलाज एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए। अब क्योंकि पूरे इंडिया में ट्रेंड बोन कैंसर सर्जन जो हैं या ट्रेंड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, तो हो सकता है कि आपके शहर में या फिर आपके पूरे स्टेट में ही एक ट्रेंड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट ना हो। लेकिन अगर हमें रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, बीमारी वापस आने के रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। और वैसे भी अगर हम एक सही जगह से ऑपरेशन नहीं कराते हैं और बीमारी वापस आ जाती है तो हमारा जो हमने पहले समय और पैसा खर्च किया है वो वेस्ट हो जाता है और जो अगली सर्जरी होगी वो पहली सर्जरी से ज़्यादा मुश्किल होगी। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें फर्स्ट टाइम ही एक ट्रेंड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से इसका इलाज कराना चाहिए। इस तरह के बोन कैंसर में या बोन ट्यूमर्स में होने वाली क्या क्या गलतियाँ हैं और हम उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं ताकि आप भी इस तरह की गलतियां करने से बच पाएं। अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे के जायंट सेल ट्यूमर में बीमारी वापस आने का रिस्क निर्भर करता है। तो अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, कि आखिर जायंट सेल ट्यूमर कौन सी हड्डी में आया है। ये पाया गया है कि कलाई में जो कि डिस्टल रेडियस नामक हड्डी होती है या फिर कूल्हे की प्रॉक्सिमल फीमर में अगर जायंट सेल ट्यूमर है तो वहाँ पे बीमारी वापस आने का रिस्क उस मरीज के मुकाबले ज़्यादा है अगर जिसको कि यह बीमारी घुटने में या फिर किसी और हड्डी में है। इसी तरह कई की बार मरीज डॉक्टर तक पहुँचने में इतना देर कर देते हैं कि उनकी हड्डी कमज़ोर होकर फ्रैक्चर हो जाती है, जिसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। तो जिन पेशेंट्स का सर्जरी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के बाद किया जाता है तो उन पेशेंट्स में बीमारी वापस आने का रिस्क उस मरीज के मुकाबले ज़्यादा होता है जिनमें के पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर नहीं होता। इसके अलावा बीमारी वापस आएगी या नहीं या इस बात पर भी निर्भर करता है कि ऑपरेशन से पहले आपका डिजीज़ वॉल्यूम कितना था। अगर ऑपरेशन से पहले आपकी डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी तो
उस मरीज में बीमारी वापिस आने का रिस्क उस मरीज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा जिसमें कि वो बीमारी बिल्कुल छोटी सी थी। तो इसलिए हमें जायंट सेल ट्यूमर या फिर किसी भी रसौली के इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए और हमें एक स्पेशलिस्ट से जल्दी सलाह लेनी चाहिए। इन सब बातों को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो जायंट सेल ट्यूमर या GCT ऑपरेशन के बाद वापस आएगा या नहीं, यह इन बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक कि किस प्रकार की सर्जरी हुई है, उसकी प्लानिंग कैसी थी। नंबर दो क्वालिटी ऑफ सर्जरी। नंबर थ्री एक्सपर्टाइज ऑफ द सर्जन, मतलब कि जिसने ऑपरेशन किया उसकी स्पेशलिटी क्या थी। नंबर चार लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, मतलब कि रसौली कौन सी हड्डी में थी। नंबर पाँच कि क्या उसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था। और नंबर छः कि वो कितनी बड़ी थी ऑपरेशन से पहले। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि यह इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। कुछ भी सवालों के लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।